हे एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक अच्छी सुबह के साथ। आज हम पूरी फैमिली एक अच्छी जगह जा रहे हैं और आप मेरे व्लॉग पे बने रहिए। पहले मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, कौन और हम कहाँ जा रहे हैं वो देखने के लिए व्लॉग पे बने रहिए। जाने से पहले यहाँ पर टीका चंदन हमारा होने लग गया है। तो मिलाती हूँ मैं आज आपको अपनी फैमिली से। ये है मेरी बहनी रिया, ये आ रही है हमारे साथ, ये है मानस, हम सभी अभी तैयार हो रहे हैं, और ये है भूपी, ये है साहिल, और ये है दादा। तू तो काला आ रहा है दादा दरवाजे के उस। तो अभी हम सब लोग हो गए हैं, लगभग लगभग रेडी तो हो गए हैं। अभी मामी रेडी हो रही है और हमारे साथ एक और आ रही है, वो है ममता, वो मेरी फ्रेंड है, वो अभी रेडी हो रही है। अभी ये मॉर्निंग में ही 8 बजे तक का कांडा से यहाँ पहुँच गया है। तो ममता भी अभी हमारे घर पे आ गई है और हम सब लोग बाहर से खड़े हो गए हैं। एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये सामने पे है, दो गाड़ियों पे हम जाने वाले हैं आज। हम जा रहे हैं, बाय पैलक। सबको लगा दिया। मम्मी धो रही थी कपड़े तो हम भी अभी मम्मी से आशीर्वाद लेके जाने लग गए हैं। जोर से बोलो जय माता दी। तो हमारा सफर हो गया है शुरू, हमने जर्नी स्टार्ट कर दी बेरीनाग से और देखते जाइए हम कहाँ तक जाते हैं। और हम चार लोग इस गाड़ी में बैठे हैं, चार लोग उस गाड़ी में बैठे हैं, चेंज होते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि जो जहाँ बैठ गया वो वहाँ बैठे रहेगा। आज का मौसम है थोड़ी धूप थोड़े बादल, देखते हैं दिन तक का मौसम कैसा होता है। बारिश भी आ सकती है लेकिन बट अच्छी धूप भी आ सकती है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं थल की बाजार, तो मैं दिखाती हूँ, फिर हमारा सफर अभी उससे भी और आगे है। ये है यहाँ की थल की मार्केट। थल पहुँचते के हमें लगभग 1 घंटा लगा, फिर हम थोड़ा उससे आगे आए तो वहाँ से 2 रास्ते कट हुए, एक जाता है डीडी हाट की ओर को और एक जाता है मुंशियारी की ओर को। तो हम मुंशियारी वाले रास्ते पे भी चलते हैं, अभी हमारा सफ़र और आगे है। तो ये लोग यहाँ पर अभी हमारे लिए रुके हुए हैं, हम सब यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये तो आज के ये सभी हैं यात्री और इनके साथ मैं भी हूँ। हम थोड़ी यहाँ पर धूप सेक ले रहे हैं, इतनी प्यारी सी धूप आई हुई है। लो मामी आप आ गए हो मामी। अभी मैं और ममता दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गए हैं, रिया और साहिल वहाँ, मैं और ये यहाँ भूपेश के साथ। हाँ मामी के बिना मन नहीं लग रहा था ना। यहाँ पर ये डॉगी का कलर देखो जैसे कि इस पे मेहंदी की होगी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं नाचनी। ममता को नींद आ गई है, ये सफर के मजे नहीं ले रही है, सोई है। इसने इतने सुंदर सुंदर नजारों का आनंद लेना चाहिए था बट ये सोई हुई है, तो देखा ही क्या ना भूपी इसने। अभी हम लोग पहुंच गए हैं तेजम।
यहाँ से एक रास्ता करता है ऊपर की ओर को और एक जाता है सामने की ओर को। ऊपर वाला रास्ता है मुंशहरी की ओर को, लेकिन आज हम मुंशहरी नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सामने की ओर को। पतली सी रोड है, नीचे को खाई खाई है। मौसम होने लग गया है खराब, अभी इतनी प्यारी सी धूप थी, अभी अभी इतने काले काले बादल छाने लग गए हैं और थोड़ी देर बाद इनको ऐसा इनको देख के ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी। साढ़े चार किलोमीटर और बचा है, लेकिन रोड इतनी गंदी हो रही कि हमारा आधा घंटे से ज़्यादा लग ही जाएगा ऐसा लग रहा है सिर्फ चार साढ़े चार किलोमीटर चलने में। और थोड़ा मौसम भी बारिश आने वाला बनने लग गया है। अभी हल्की सी धूप आ गई, जब धूप आ रही है ना दिल को ऐसा सुकून मिल रहा है क्या बताऊँ। और बारिश की बूंदें दिखाई दे रही है तो धक 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 धक, क्योंकि वापिस भी तो जाना है घर और रोड हो रही इतनी भयंकर की, तो मैं सोच रही हूँ कि बारिश की बूंदों से रोड गीली हो जाएगी, फिर ऊपर से इतने पत्थर पत्थर आएंगे, ये ज्यादा डर लग रहा है। यार डर ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है। से मंदिर के लिए सामान लेने लग गए हैं, यहाँ से एक किलोमीटर की दूरी में और है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं होकरा। अभी यहाँ से जो होकरा देवी का मंदिर है वो है एक किलोमीटर दूर। अभी हम यहाँ से पैदल पैदल जाने लग गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर प्रसादी भी ले दी। चारों तरफ लगी हुई है गेहूं की खेती। हाँ, ये दादा ने हमसे बोला था कि नाचनी से सिर्फ थोड़ा ही है, थोड़ा ही है, थोड़ा ही है, थोड़ा है, थोड़ा है कह के दो घंटे लग गए हमारे। और जो सबसे गंदा, तो जहाँ से कच्ची रोड हुई ना स्टार्ट, वहाँ से घर से निकले थे हम 9 बजे के टाइम पे और अभी यहाँ पर होने वाला है 12:30 बजे के टाइम पे हम लोग पहुंच गए मंदिर के यहाँ पर। अब फिर यहाँ से 1 किलोमीटर जो चलना है वही होगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के यहाँ पर और बारिश भी आने लग गई है। देवकी द्वार और यहाँ से है मंदिर को जाने की एंट्री। ये था सिर्फ मेन गेट, अब इससे नीचे है, थोड़ा सा और चलना है फिर वहाँ से है। मंदिर पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, जबकि अगल बगल आप देखेंगे तो वहां ऐसे पेड़ नहीं है। मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी। ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी हे मां, ये एक पत्थर मंदिर है जिसे माँ भगवती का रूप दिया गया है। जो पत्थर की शिला भगवती माता की है उसके पीछे साइड का,
ये होकारा माता की यहाँ बहुत ज्यादा कृपा है। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये होकारा देवी मैया के दर्शन कराना चाह रही हूँ। पंडित जी ने अच्छे से पाठ वगैरह पाड़ दिया है और अब हम लोग पंडित जी बोल रहे हैं कि इसके आप फोटो खींच सकते हैं, तो हम थोड़ी सी फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। पर जो सामने पे बैठे हुए हैं इनकी यहाँ आज इस मंदिर में कथा है और यहाँ पर है मंदिर का धारा, यहाँ पर पानी सदाबहार रहता है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये टाइबू तो हमारे साथ आने में रह गया है। यहाँ पर है हाथ पैर धोने के लिए जगह बनाई गई है और एक रास्ता यहाँ से ऊपर की ओर को। पानी टच करके बता रहे हैं कि अभी जैसे बारिश आ रही है लेकिन ये पानी एकदम गर्म आ रहा है। हम लोग होकारा देवी मंदिर के दर्शन करके घर को जाने लग गए हैं, ताकि जल्दी इसलिए भी जा रहे हैं, जल्दी तो नहीं मतलब ठीक टाइम हो रहा है कि हम टाइम से घर पहुंच जाएं, क्योंकि बारिश वाला मौसम भी हो रहा है और रोड गंदी थी, तो इसलिए हम टाइम से निकल रहे हैं। और ये पीछे पे जूते चप्पल पहनने की तैयारी करने लग गए हैं। अभी पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ अष्टमी और नवमी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। आज का मैं भीड़ एक ही पूजा आई हुई है। पंडित जी बोल रहे थे कि खाना खा के जाओ, लेकिन लेट होने के कारण हम लोग आज जल्दी जा रहे हैं। अब हम लोग जाने लगे हैं घर को, वापसी करने लग गए हैं। और हम सबको इतनी ज्यादा भूख लग गई है, हम सब लोग खाने बैठ गए हैं। अब हम खाना यहाँ पर हमारा खाना आ गया है। खाने में है प्याज, चटनी, आलू गोभी की सब्जी, दाल और रोटी। अब मैं भी खाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। आपने ऐसा बोला ना मनोकामना जब परिक्रमा करते हैं तो एक ही मांगो बोला। अब हमने तो लिस्ट बना रखी थी इतनी लंबी कि फूफी कंफ्यूज हो गया, तो उसने एक ही मांगी, फिर वो सबसे उनमें से सबसे जो मेन था वो ही मांगा। फिर मैंने कहा अगली बार आऊंगा तभी पूरा हो जाएगा, ये पूरा होगा फिर अगली बार जाएगा, फिर अगली बार दूसरा वाला। बुप्पी की ही नहीं, हम सबकी मनोकामना की लिस्ट तो काफी बड़ी थी। मेरी तो फिर तो ज्यादा बड़ी थी। मेरी तो एक ही थी। सुनो तो सही, मैं तो कंफ्यूज हो गई, हे भगवान फिर दोबारा कहीं मांगने। मैं पहले वहां पर हाथ हाथ जोड़ के आ गई यहाँ, फिर इन्होंने कहा ए तुमने क्या, तुम मांगो ने मांगो वो करो खा। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, मैं भी भूल गई। मैं भूल गई तो कह रही में थकान लग गई है पूरे सफर में। क्या कहे, पूरा सफर एकदम सो के और कुछ और करके इसने निकाला है। और अभी हम लोगों को दोबारा इतना ठंडा हो गया तो हम लोग यहाँ पर पीने लग गए हैं चाय उगैरी बैंड पे। ममता की बात सुन के हंस रही है मामी। अभी हम उडियारी बैंड से घर की तरफ जाने लग गए हैं, बस ड्राइवर चेंज हो गए हैं, टाइम पे ड्राइवर चेंज हो जा रहे हैं या हम शिफ्ट हो जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ तीन हैं, तीन मैंने पहला बहुत जल्दी पूछ गया था यहाँ पर, देखो मत करो बहुत जल्दी। हाँ मम्मी हम जल्दी पहुँच गए 6 बजे। वन 6 बजे हम अपने घर पे पहुंच गए हैं सभी लोग। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।